स्वागत है आपका सुराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से है जहां पर पीएल पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गॉडसे से तुलना की है। पुनिया ने कहा है कि पैर पकड़कर हत्या करना आरएसएस की संस्कृति है। जिस तरह गॉडसे ने गांधी के पैर छूकर उनकी हत्या की, उस तरह मोदी ने संसद का माथा टेक कर संविधान की हत्या की है। उन्होंने ये बात एससी एसटी आरक्षण के संबंध में उत्तराखंड सरकार पर दी गई दलील पर कही है। पूनिया ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है और दलील में कहा है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मौलिक अधिकार एससी एसटी और ओबीसी को नहीं है। पूनिया ने कहा कि भाजपा के डीएनए में एससी एसटी और ओबीसी का विरोध है। संविधान की उपेक्षा की जा रही है और ये जवाब देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तो दिखी मत्था टेका था संविधान के ऊपर 2019 में। तो हम इनसे कहते हैं कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद जब संविधान बना था, लागू होने वाला था, उसमें उनकी प्रतियां जलाई थी, कहा कि ये संविधान हम लोगों के हिंदुस्तान के योग्य नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता पर आधारित है, ये यहां नहीं लागू होना चाहिए।